चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पाइथन। आज से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक हमारी खुल गई है ब्राउज़र में, और यहाँ हम किसी फोल्डर में या फिर डायरेक्टली भी अपनी पाइथन नोटबुक खोल सकते हैं। ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ पाइथन बेसिक्स, इसमें हम न्यू जुपिटर पाइथन 3 नोटबुक बना लेंगे। इस नोटबुक को हम रीनेम कर लेते हैं। तो आज हम करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसे वही हम रिनेम कर लेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके। तो पाइथन में क्या क्या होता है भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई बताएगा मुझे? हाँ भाई, बताना शुरू करो। मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं हमारे एडिशन, गुड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट, और क्या होता है फ्रैक्शन, करेक्ट, और क्या होता है भाई, और बताओ, रिमाइंडर, राइट, और पावर कैलकुलेट करना। ये हमारे क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो चलिए फिर बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम एडिशन से। एडिशन क्या होता है, कोई भी दो नंबर या फिर एक से ज़्यादा नंबर ने हम ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। इसका सिंबल ये प्लस का साइन होता है। बस ये डालना है इसके अंदर और रन प्ले करना है, और इस सेल के अंदर जो भी होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, 13 + 7 = 10। हाउ सिंपल इट इज। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पाइथन के अंदर। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो हम डायरेक्ट रन करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाली लाइन का हमें आउटपुट दिखाई देगा। अगर हमें सबके आउटपुट देखना है तो हमें प्रिंट के अंदर डालना पड़ेगा उसे। तो ये कर लेते हैं हम, 3 + 2 प्रिंट, 3 + 9 + 8 बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, कितने भी नंबर डाल सकते हैं हम इसके अंदर, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब जिनमें डेसिमल पॉइंट आता है वो नंबर भी डाल सकते हैं। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो चुटकियों में हो जाएगी। ये देखिए, ये था एडिशन। इसी तरह से होता है सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, माइनस साइन यूज़ करते हैं। तो इन्हीं एग्जांपल को हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। 4 - 5 इसका नेगेटिव आंसर आएगा, अगर 15 करेंगे तब भी नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। 34 - 7 फ्लोटिंग पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े से बड़ा नंबर यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटा नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, घंटों का काम चुटकियों में हो जाता है इसे यूज़ करने से। जैसे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, उसके लिए स्टार यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड के रूप में। तो कितने भी नंबर हो चुटकियों में ये इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो या फिर कितने भी ज़्यादा नंबर हो, सबका प्रोडक्ट बड़ी इजीली कैलकुलेट कर देगा। इस एक सिंपल प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, 3 × 5, ठीक है। ये देखो हो गया ना कितना इजीली, यही तो मैजिक है पाइथन का। पाइथन में मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए तो डेटा साइंस में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से डिवीज़न होता है, डिवीज़न में भी हम कितने भी बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, कितने भी बड़े से बड़े नंबर से। इसके लिए सिंगल ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं, इसका जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं,
45 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये आ गया। एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट 45 डिवाइडेड बाय 9, ये देखो ये 45 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन फिर भी आंसर इसका फ्लोट में आ रहा है 5.0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिटर्न जो करता है आंसर वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही करता है, चाहे हमारा न्यूमरेटर फ्लोट हो या फिर इंटीजर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आंसर हमेशा फ्लोट में ही देगा। ये जो डिवीज़न है सिंपल डिवीज़न, दूसरे टाइप का डिवीज़न होता है फ्लोट डिवीज़न, जिसमें रिमाइंडर को एलिमिनेट कर देता है, ये जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है उसका आंसर हमें मिलेगा। लो डिवीजन, इसमें मैं सेम एग्जांपल यूज़ करने वाला हूँ जो हमने पहले यूज़ किए, तो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे हम रन करेंगे, उससे पहले हम ऑपरेंड चेंज कर देते हैं। फ्लोर ऑपरेंड, फ्लोर डिवीजन का जो ऑपरेंड होता है वो डबल डिवीजन साइन होता है। इस तरह से हमें जो रिमाइंडर पार्ट है सटा देगा, बाकी देखो पॉइंट के बाद वाला पार्ट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ पॉइंट से पहले के पार्ट आएगा। इसी तरह से अगला होता है हमारा रिमाइंडर या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सेम एग्जांपल यूज़ करते हैं हम, ये वाला पता चलेगा। रिमाइंडर के लिए जो ऑपरेंड यूज होता है वो होता है परसेंटेज साइन, चेंज कर दीजिए, परसेंटेज साइन यूज होता है इसमें। ठीक है, इसे रन कर लेंगे, देखो ये रिमाइंडर आ रहा है, पहले वाले पार्ट का रिमाइंडर इतना आ रहा है, दूसरे वाले का 3 आ रहा है रिमाइंडर, 6 7 42, 45 42 के 3 बचे, और 45 डिवाइडेड बाय 9 5 होता है, तो रिमाइंडर 0 बचता है, ये हो गया रिमाइंडर। अगला ऑपरेशन होता है हमारा एक्सपोनेंट या फिर पावर। अगर हमें किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है अप टू सर्टेन नंबर, तो हम वो भी बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन में, देखो कैसे। जैसे हमें 2 की पावर 5 कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली 2 की पावर 5 कैलकुलेट कर लेंगे, देखो 32 होती है, सबको पता है। अब कितने बड़े से बड़े नंबर की पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इतनी पावर कैलकुलेट करनी है मुझे, लेकिन ये थोड़ा कम कर लेते हैं, आउट ऑफ बाउंड्री चला गया, अभी ये अटका हुआ है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसे, बहुत बड़ा नंबर है इसलिए। अभी कैलकुलेट करेगा ये, और कैलकुलेट करते हैं हम। लेट्स सपोज इसकी पावर हमें कैलकुलेट करनी है 9, ठीक है, इसलिए कैलकुलेट कर देना, ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, पावर नहीं है ये, ओके ये होगी पावर, देखा कितनी बड़ी कैलकुलेशन इसने इजीली कर दी। नेक्स्ट होता है ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस, इसका मतलब अगर हमें एक ही लाइन में बहुत सारे ऑपरेशंस
परफॉर्म करने हैं तो पहले कौन सा ऑपरेशन पाइथन परफॉर्म करेगा। जैसे मैथ्स में होता है ना बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सबट्रैक्शन होता है। पाइथन में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है पाइथन में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? कुछ इस तरह होता है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होगा वो कैलकुलेट होगा सबसे पहले, फिर जो पावर वाला पार्ट होगा वो कैलकुलेट होगा, फिर रिमाइंडर वाला पार्ट कैलकुलेट होगा, फिर फ्लोर डिवीजन वाला पार्ट कैलकुलेट होगा, फिर डिवीजन कैलकुलेट होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट होगा, फिर सब्सट्रैक्शन कैलकुलेट होगा, और सबसे लास्ट में एडिशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 3 to the power 2 plus ब्रैकेट में 9 minus 7 plus 2 modulus 7 4 divided by 5 into 5 divided by 2 minus 5 plus 5। ठीक है, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखो कैसे करते हुए चुटकियों में 9.0 आ गया आंसर। क्या किया इनने, सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट कैलकुलेट किया होगा। क्या था ब्रैकेट वाला पार्ट? 9 minus 7 plus 2। ठीक है, तो 9 2 11 में से 7 के 4 बचे, और यहाँ पे 3 to the power 2 मतलब 9 हो गए। ये जाएगा 9 plus 7 mod 7, 7 mod 7 हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना बचा था भाई हमारा? 4 बचा था, 4 mod 7 कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। उसके बाद फ्लोर डिवीजन करेगा, 4 फ्लोर डिवीजन 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस 5 ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। बहुत ही सिंपल है। तो देखा पाइथन में मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, इसलिए मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है डेटा साइंस में ये लैंग्वेज। और इसके जो सिंटैक्स होते हैं बहुत ईजी टू राइट हैं, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज। तो पाइथन बहुत वर्सटाइल लैंग्वेज है, इसे सीखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके करियर के लिए। तो सीखते रहिए पाइथन मेरे साथ, मतलब संकेत शर्मा के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।